वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों अभी मैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को जरूर ही बना लीजिए। आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यदि टेन ए बराबर कॉट बी हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो टेन ए है ये बराबर है कॉट बी का, ठीक है। और आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर है tan a, ठीक है। तो tan a बराबर cot b है, बराबर cot b, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये tan है, इसे यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना है। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर देखिए कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर थीटा के जगह पर बी है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा कॉट बी बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो आइए उसे हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर आपका कॉट बी, यहां पर लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस बी लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखिए, बराबर के इस पार टेन है और इधर भी आपका टेन है, तो टेन टेन आपका कट जाएगा। यहां पर आपका बच्चा ए, यहां बराबर है और इधर आपका बच्चा है 90 डिग्री माइनस बी, इसे यहां पर हम लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस बी। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए ये जो माइनस बी है इसे हम बराबर के इस पार लाएंगे, यहां पर ए लिख देंगे। जब माइनस बी को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस बी और इधर आपका बच जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए क्या रहा था, तो हमारा यहां पर सिद्ध हो चुका है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका एसी जोड़ लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। आपके क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज की बातें कही जा रही है, ठीक है। और इनके भुजाओं का अनुपात आपको दिया है 4:9, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे क्षेत्रफल का अनुपात। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर आप ध्यान से समझिए, देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुज के भुजा का अनुपात का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात, ठीक है, भुजा का अनुपात का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात का स्क्वायर कर देना है। देखिए भुजा का अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया है 4:9, तो 4:9 को आप भिन्न में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे देखिए, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 16/81 है इसको आप अनुपात में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 16:81, ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आपके सामने एक त्रिकोणमिति का सवाल है। यहां पर देखिए, सिद्ध करें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है, बराबर 1 cos θ / 1 cos θ, ठीक है। आइए हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि बराबर के इस पार को हम एल एच एस कहते हैं, बराबर के उस पार को हम आर एच एस कहते हैं। हम इस क्वेश्चन में इसे यानी एल एच एस को लेकर सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे एल एच एस बराबर, तो एल एच एस आपका ये है, इसे यहां पर लिख देते हैं,
यहाँ पर है आपका कौशेक थीटा, तो कौशेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देना है। अब आप आगे देखिए दोस्तों, ये जो कौशेक थीटा है इसको क्या आप वन बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं? तो जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब देखिए माइनस है, माइनस देंगे, कॉट थीटा को आप कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्क्वायर यहां पर भी आपको स्क्वायर कर देना है। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए साइन साइन है, एलसीएम लेंगे आपका यहां पर भी नीचे साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा से साइन तरफ भाग देंगे तो भागफल एक आएगा, एक गुना एक, एक हो जाएगा, माइनस है, ये मैंने यहां पर दे दिए, साइन साइन तो भागफल एक आ जाएगा, और यहां पर एक गुना कॉस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर है, यहां पर भी आपको स्क्वायर कर देना है। यहां पर सिर्फ भिन्न का घटाव है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए ये स्क्वायर जो है ये अंश और हर दोनों पे है, हम यहां पर अलग अलग कर देंगे, मतलब ये कि अंश का स्क्वायर अलग कर देंगे, हर का स्क्वायर अलग कर देंगे। यहां पर वन माइनस कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा हो गया, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, और नीचे में आपका क्या है तो साइन थीटा है, यहां पर साइन थीटा है, इसका स्क्वायर हम अलग कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो ऊपर है इससे आप रहने दीजिए, इसे कुछ मत कीजिए, ऊपर जो आपका लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए। ऊपर है वन माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर है, तो वन माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यह भी एक फॉर्मूला होता है। अब आप यहां पर समझिएगा, हम इसे स्क्वायर कर देते हैं, देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, हम इसे स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए ऊपर जो है उसे सेम टू सेम लिख दीजिए, तो वन माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर है, वन माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर कर दिए। नीचे देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए की जगह पर आपका एक है और बी की जगह पर आपका कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी यानी वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर वन माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, मतलब दो ठो है, ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर वन माइनस कॉस थीटा यहां पर एक ठो है, तो ये और ये आपका कट गया। अब ऊपर में आपका सिर्फ एक वन माइनस कॉस थीटा बचा है, एक ठो बचा है, तो यहां पर लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे में आपका क्या बचा, तो नीचे में बचा आपका वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट आप मिटा दीजिए, अच्छा है, ठीक है। अब आप देखिए इसको देखिए, वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, यहां पर देखिए यहां पर आपका वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, आपने इसे सॉल्व किया इसे, ठीक है, और आपका आंसर ये आ चुका है, मतलब आपका आपको लिख देना है, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।